नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स के प्रकार के अपडेट जो समय समय पे हमारे द्वारा दी जाती हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी हटके है और हटके किस चीज़ को लेके है, मेरे पास एक चीज़ के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि सर कलर ब्लाइंड हो तो क्या हम DSSB में टीचर लग सकते हैं, मेडिकली फिट होंगे या अनफिट होंगे। लास्ट जो भर्ती थी 2018 में, वहाँ पे भी एक कैंडिडेट थे, बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं मेरे वो, और वो भी जब मेडिकल के लिए जा रहे थे तो उनको मेडिकल फिट करने के लिए पैसे की मांग की गई थी। वो डर भी गया था कि कलर ब्लाइंडनेस में कहीं निकाल ना दें। फिर मैंने नॉलेज इकट्ठी की थी अलग अलग जगह से और पता किया था कि क्या टीचिंग जॉब के अंदर भी कलर ब्लाइंडनेस का कोई इफ़ेक्ट होता है या नहीं, मेडिकली अनफिट आपको कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने अलग अलग सोर्सेज से जानकारी निकाली, तो एक छोटी सी जानकारी मैं दे दूं कि कलर ब्लाइंडनेस होती क्या। देसी भाषा में आपको बताऊं तो वो जो है, जिस कैंडिडेट को कलर ब्लाइंड की समस्या होती है, वो कुछ कलर्स को डिफरेंस नहीं कर पाता है कुछ कलर्स के अंदर। जैसे हरे और लाल में वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है, एक जैसे दिखाई देंगे दोनों कलर। ऐसे ही कुछ समस्या होती है, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहूँगा। इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको डिटेल में जानकारी दूँ। उससे पहले हमेशा एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूँ कि अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके अलावा आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो तीन ऑप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उन तीनों के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है, उसको भी फॉलो कर लीजिए, और फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक है, उसको भी डाउनलोड करके आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। अब मैंने मोटा मोटी आपको बात बता दी कि जो कलर ब्लाइंड जिस कैंडिडेट को होता है उसको हरे और लाल कलर में डिफरेंस महसूस नहीं होता। और मेरे पास इस भर्ती में भी जो है कुछ बच्चों की क्योरी आई थी कि सर मेडिकल में कोई समस्या होगी या नहीं होगी, तो मेरा उनको एक ही जवाब था कि आप बिल्कुल फिट हैं, टीचिंग लाइन में कलर ब्लाइंडनेस का कोई इफेक्ट जो है नहीं पड़ता है मेडिकल के ऊपर। हालांकि जब आप मेडिकल कराने के लिए जाओगे तो आपको अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो उसके नाम पे आपसे पैसे ठगने की कोशिश की जाएगी। मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी होगी तो आप जरूर उनको पैसा पे करोगे, क्योंकि आप इतने ज़्यादा डर जाओगे, आपको लगेगा कहीं नौकरी ना चली जाए। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी गलत काम करके अपनी जॉब को दाव पे कभी नहीं लगाएगा। जब अगर टीचिंग लाइन में कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं है तो इतना बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है कि एक आपके 30,000 रुपये के लिए आपको मेडिकली फिट कर देगा। जो भी रकम आपसे मांगे, वो अपनी लाखों की नौकरी को दाव पे नहीं लगाएगा, ये बात हमेशा याद रखना। तो जब आपसे कोई 20-30 हज़ार मांगे इस छोटी सी समस्या के लिए, मैं इसको छोटी सी समस्या क्यों कह रहा हूँ, इसका एक कारण और है, क्योंकि छोटी सी होती है, माइनर सी है, इनहेरिटेंस होती है, जन्मजात होती है, हमें पेरेंट्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है। अब ये मत कहना मेरे तो माँ बाप को नहीं थी, मुझे कैसे भी हो सकता है आपकी फैमिली में किसी और को रही हो। तो कलर ब्लाइंडनेस से जो कैंडिडेट पीड़ित हैं, मतलब एक माइनर सी समस्या होती है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप बिल्कुल मेडिकली फिट हैं और मेडिकल के अंदर आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो स्क्रीन चल रही है इसमें कहीं पे आपके लगे कि कलर ब्लाइंडनेस की दवाई, इसको सीरियस ना लें, क्योंकि इस बीमारी का भाई अभी तक तो कोई इलाज हुआ नहीं है और मेरे को पता भी नहीं कि इलाज होता है नहीं होता। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज इतना मात्र है कि अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको बिल्कुल भी हाय तौबा नहीं मचानी है, आपको जो है अपना मेडिकल करवाना है। और अगर वो कहे कि आपको तो कलर ब्लाइंडनेस आपका मेडिकल फंस जाएगा, तो आपको यही कहना है कि जैसी भी हमारी रिपोर्ट है आप DOE में भेज दीजिए, वो हमारी प्रॉब्लम है, क्या होगा, ठीक है। तो यही थी अपडेट, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो मैं फिर कहूँगा आप बिल्कुल मेडिकली फिट हो, बिल्कुल भी चक्कर में नहीं पड़ना किसी के भी। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को आपने लास्ट तक देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।